वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो सोशियोलॉजी की बुक है, यानी कि क्लास 11 की जो समाजशास्त्र की बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसकी बुक 1 से जो चैप्टर 2 है जिसका टाइटल है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन सोशियोलॉजी में किस तरह से और उसका किस तरह से यूज होता है सोशियोलॉजी के अंदर, उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये उसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसकी लिंक आपको कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो सबसे पहले हमें जो पार्ट 2 में टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है सामाजिक स्तरीकरण। तो सबसे पहले यही जानना है कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है। तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह में ऊंच नीचे छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। बेसिकली सामाजिक स्तरीकरण वो होता है जैसे कि हमारी सोसाइटी में अमीर को अमीर या गरीब को, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमीर गरीब है, अमीर गरीबों को ऊंच नीच के आधार पर छोटे बड़े के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे जो उच्च जाति का होता है तो उसको अपर वाली कैटेगरी में रखा जाता है, एंड जो नीचे जाति का होता है यानी कि निचली जाति का जिसको हम कहते हैं तो उसको जो है लोअर कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं कि जो अमीर गरीब में भेद, मतलब हम कह सकते हैं अलग अलग स्तरों में बांटना, ऊंच नीच के आधार पर बांटना, छोटे बड़े के आधार पर बांटना, तो वही हमारा सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट आ जाते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के, जो 5 पॉइंट उसका सबसे फर्स्ट वाला जो है उसमें बता रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है यानी कि स्तरीकरण की प्रकृति जो होती है वो सामाजिक होती है। अब स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा स्तरीकरण की प्रकृति है यानी कि जो स्तरीकरण की जो हमारी स्टार्टिंग है वो एक सामाजिक ही है। मतलब जो स्तरीकरण होता है वो हमारे समाज के अंदर ही होता है, समाज के अंदर स्तरीकरण हो रहा है, समाज के अंदर ऊँच नीच पे या छोटे बड़े के आधार पर बांट रहे हैं, तो इसलिए समाज के अंदर बांट, इसलिए उसको ये कहा गया है कि इसकी प्रकृति ही सामाजिक है। ठीक है, अब सेकंड आता है स्तरीकरण काफ़ी पुराना है, यानी कि स्तरीकरण जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, यानी कि जो ऊंच नीच के आधार पे या छोटे बड़े के आधार पे आजकल बांटते हैं वो आज ही नहीं, वो तो कई प्राचीन काल से, कई जमाने पहले से चला आ रहा है ये स्तरीकरण के लोगों को अमीर गरीब पे या फिर छोटे बड़े के आधार पे बांट दिया जाता है। तो ये जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है और ये स्तरीकरण नया नहीं है, काफ़ी टाइम पुराना है। थर्ड में हमारा आता है प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, यानी कि हमारे हर समाज में, हर एक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। आप जिस समाज के सदस्य हैं या मैं जिस समाज के हैं, हम लोग जिस भी समाज के सदस्य हैं अपने अपने समाज में, लेकिन हमारे हर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। हर जगह ऊँच नीच के आधार पर बांटा जाता है या फिर छोटे बड़े के आधार पे बांटा जाता है और उसी को स्तरीकरण कहते हैं, और ये हर समाज में स्तरीकरण मिलता है हमें देखने को, यानी कि ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें हमें स्तरीकरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सोसाइटी में जो है ऐसे लोग होते हैं जो ऊँच नीच वाले होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, हर प्रकार के लोग हर समाज में हमें मिलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हमारा आ जाता है स्तरीकरण जो है उसके विभिन्न रूप होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से स्तरीकरण होता है लोगों का, जैसे कि आयु के आधार पर स्तरीकरण हो गया, यानी कि एज के अकॉर्डिंग स्तरीकरण करना, जैसे कि जो ज़्यादा एज का है तो उसको कह देते हैं ओल्ड है, ये ओल्ड है, ओल्ड एज है, और जो थोड़ा कम एज का होगा या फिर मीडियम होगा तो उसको कह देंगे ये यंग एज का है। तो यही है कि ओल्ड यंग सबको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो सबको बांटा जाता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यही वाला जो स्तरों में बांटना ही यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। और इसको आयु के आधार पर भी बांट सकते हैं, वर्ग के आधार पर भी बांट सकते हैं। वर्ग के आधार पे, मतलब वर्ग के आधार पे बेसिकली वो होता है जैसे कि क्वालिफिकेशन या उसके क्वालिटी के अनुसार, व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार कि ये इसके जो इसका जो काम है, इसका जो काम धंधा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे कर देते हैं, तो वो होता है वर्ग के आधार पे बांटना कि इसको ऊँचे वर्ग में रखा क्योंकि इसका जो व्यवसाय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जिसका व्यवसाय अच्छा नहीं है या जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम है तो उसको नीचे वर्ग में रखा जाता है। ऐसे ही जाति के आधार पर, जिसकी ऊँची जाति है वो उच्च जाति के होते हैं, जिसकी निम्न जाति है वो निचली जाति के होते हैं।
तो आयु के आधार पे, वर्ग के आधार पे और जाति के आधार पे सत्रीकरण को सत्रीकरण होता है लोगों का। और सत्रीकरण के यही प्रकार के हम कह सकते हैं या स्वरूप कह दें तो यही होते हैं आयु, वर्ग, जाति, ठीक है, इनके आधार पे सत्रीकरण होता है। सत्रीकरण से क्या होता है, जीवन शैली से विभिन्न, सत्रीकरण से जीवन शैली में विविधता पाई जाती है। यानी कि सत्रीकरण से क्या होता है, जीवन शैली हम कहते हैं लाइफ स्टाइल को। तो जो सत्रीकरण है ऊंच नीच पे या छोटे बड़े के आधार पे बांटने से क्या होता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज आ जाती हैं, ठीक है। हमारी लाइफ स्टाइल में किस तरह से वैरायटीज आ जाती हैं अगर सत्रीकरण होगा तो, जैसे ये समझिए अगर किसी को कोई उच्च जाति का है तो उसको और ऊँचा मकाम प्राप्त कर दिए सत्रीकरण हुआ, मतलब सत्रीकरण करके उसको और बता दिया लोगों ने, सब वो फेमस हो गया कि हाँ ये तो ऊंच जाति का है, तो वो ज़्यादा उसकी जीवन शैली जो होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा। मतलब जो उसकी लाइफ स्टाइल नॉर्मल चल रही होगी ना उसमें और ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा। ऐसे ही कोई ऐसा है निचली जाति का, उसको समाज में यही उसका नाम हो गया कि भैया ये तो नीचे जाति के हैं, तो उनका क्या होगा, उनकी जो जीवन शैली होगी यानी कि जो उनकी लाइफ स्टाइल रहने का ढंग होगा उसमें उसमें भी विविधता हो जाएगी, वो और ज़्यादा नीचे वाले हो जाएंगे, उनको और लगेगा कि अब तो सभी नीचे जाति के कहने लगे हैं। तो यही है कि सत्रीकरण से जीवन शैली में भी विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जाति के आधार पर सत्रीकरण। तो जाति के आधार पर सत्रीकरण हमने अभी पढ़ा था ऊपर अपने फोर्थ पॉइंट में कि सत्रीकरण के विभिन्न प्रकार होते हैं या विभिन्न स्वरूप होते हैं, अलग अलग प्रकार से होता है सत्रीकरण, जैसे कि आयु के आधार पर, एज के आधार पर हो जाता है, वर्ग के आधार पर हो जाता है या फिर जाति के आधार पर हो जाता है। तो ये जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर सत्रीकरण किस प्रकार होता है इसी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जाति के आधार पर जो सत्रीकरण होता है वो कैसे होता है, फिर हम जानेंगे वर्ग के आधार पर सत्रीकरण किस प्रकार होता है। तो अब हम पढ़ते हैं जाति के आधार पर सत्रीकरण। तो जाति व्यवस्था में जो सत्रीकरण होता है उसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं और शूद्र जो होते हैं वो निम्न स्थान पर आते हैं। हालांकि वर्तमान में ये सत्रीकरण अब बंद हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सत्रीकरण होता था पहले, देखो अब तो सत्रीकरण बिल्कुल बंद हो गया है, आज के ज़माने की बात करें तो अब सत्रीकरण नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा सत्रीकरण का अब चलन नहीं है जितना पहले था। और सत्रीकरण पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो सबसे ऊंचे जाति के हुआ करते थे यानी कि जो सबसे अपर माने जाते थे तो उनको कहा जाता था ये ब्राह्मण है। आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पर, ये सबसे जो ऊंचे वाले होते हैं ये ब्राह्मण कहलाए जाते थे। दूसरे नंबर के जो उनसे छोटे होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, और तीसरे नंबर के वैश्य होते थे, और चौथे नंबर के यानी कि जो सबसे निम्न सबसे निचली जाति के आते थे उनको शूद्र कहा जाता था। तो ये थे सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम, ईजी है बहुत, तो अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्राचीन समय में ऐसा बांटा जाता था, जो ऊंचे होते थे उनको ब्राह्मण नाम दिया जाता था और सबसे नीचे वालों को शूद्र कहा जाता था। तो बेसिकली इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि जाति व्यवस्था की जो सत्रीकरण है उसमें ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचे स्थान पे आते थे, ऊपर आते थे, और शूद्र जो है वो निम्न स्थान पे आते थे यानी कि नीचे वाले स्थान पे आते थे। अब हालांकि अगर आपकी बात करें तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में अब सत्रीकरण बंद हो चुका है, अब इसका चलन नहीं है। सेकेंड पॉइंट में हमारे बात हो रही है जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का सत्रीकरण ऊंच नीच के आधार पर देखने को मिलता है। यानी कि जाति व्यवस्था में क्या होता है, हर जाति का जो सत्रीकरण है वो ऊंच नीच के आधार पर देखने को मिलता है। जो उच्च जाति का होगा तो वो हमारा उसको ज़्यादा ब्राह्मण दे दिया जाएगा नाम कि ये ब्राह्मण है, और जो निचली जाति का होगा अब वो उसको शूद्र दे दिया जाएगा। अब किसी इंसान की गलती तो नहीं है कि वो छोटी, अब इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर कोई इंसान किसी फैमिली में पैदा हुआ है, उसका जन्म किसी फैमिली में हुआ है, तो जो फैमिली की पहले शुरू से जाति चल रही होगी तो उसको भी तो वही जाति मिलेगी। अब उसकी गलती थोड़ी है वो उस फैमिली में जन्म लिया है। अब अगर किसी, ये मान लीजिए अगर किसी की फैमिली निम्न जाति की है यानी कि निचली कास्ट की है, और वो जो बेबी है यानी कि जो बच्चा है वो उस फैमिली का जो है हिस्सा बना है, उस फैमिली में उसने जन्म लिया है, तो उसकी जो जाति होगी वो भी निम्न होगी, वो भी निचली जाति का कहलाएगा। तो उसकी गलती तो नहीं है ना कि वो नीचे जाति का कहला रहा है। तो यही बता रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है उसमें थर्ड पॉइंट में यही लिखा है कि जो व्यक्ति जिस जाति से जन्म लेता है समाज उसी जाति का उसको स्तर प्रदान करता है। यानी कि जो जिस जाति में अपना जन्म लेगा, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा समाज जो है सोसाइटी उसको पहले से ही उसी जाति का स्तर प्रदान करती है। यानी कि अगर आपकी फैमिली की जाति जो होगी आप उस जाति में जन्म लोगे तो आपकी जाति भी वही कहलाएगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी जाति, बाद में जाति वही कहलाएगी जिसमें व्यक्ति
व्यक्ति जो है जन्म लेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखे हुए समाज के चार भागों को विभाजित किया जाता है, मतलब समाज में जो सत्रीकरण है उसके चार भागों को विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ब्राह्मण सबसे ऊँचे थे फर्स्ट नंबर के, फिर सेकेंड पर आते हैं क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे शूद्र। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान, यानी कि जाति व्यवस्था में अब क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था का जो सत्रीकरण है वो अब वर्तमान में बंद हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम आज की बात करें तो ऐसा कोई सत्रीकरण नहीं है जो जाति के आधार पर बांटता हो, लेकिन हाँ ये पहले चलती थी, तो ये पहले की बात थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले हुआ करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, पहले ऐसा हुआ करता था अब नहीं होता, तो क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसी के बारे में बात करते हैं। तो बदलते प्रतिमान से हमारा अभिप्राय यही है कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले है खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, यानी कि खान पान से संबंधी जो पहले थी आदतें लोगों की, जैसे खान पान से संबंधी जो भी प्रतिबंध थे उसमें डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा। पहले कुछ और खान पान में चलता था, अब कुछ और चलता है। ऐसे ही व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन, अब पहले क्या होता था व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन में ऐसा होता था। इस पॉइंट में बेसिकली ये कहा गया है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, जो व्यक्ति का काम धंधा होता है उसको व्यवसाय कहते हैं। अब एक उदाहरण के थ्रू समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके जो कोई बंदा है उसके पापा जो है जो काम करते होंगे, ऐसा होता था पहले, उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसके बेटे भी वही काम करेगा, तो उस जो उसका बेटा होगा वो भी वही काम करेगा। तो एक मतलब वो चलती आ रही है लाइन वाइज कि जो उस काम होगा एक ही काम जो है हर जो बेटा उसका बेटा वही काम करता रहेगा। तो एक ही काम जो है जो शुरू से दादा करते हुए आ रहे हैं वही पोता भी करेगा, ऐसे समझिए। तो पहले जो है ऐसा होता था, लेकिन अब जो ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, बेटा जो है वही अपने पापा वाला काम नहीं करता, बेटा जो है अपना अपना अलग से भी व्यवसाय कर लेता है। तो यही है कि चेंजेस आ गया है बहुत ज़्यादा, व्यवसाय के जो प्रतिबंध थे उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। विवाह संबंधी परिवर्तन, यानी कि विवाह शादी के जो संबंध थे, शादी से जो संबंधी प्रतिबंध थे उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जाति जो जो जिस जाति का था वो उसी जाति में शादी करता था अपनी, किसी और जाति से शादी करते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। इंटरकास्ट मैरिज को भी वैल्यू दी जाती है, यानी कि जो गैर हम जाति कह सकते हैं, गैर बरादरी या गैर जाति के जो होते हैं उनमें भी शादी अब होने लगी, और उसमें भी शादी कर लेते हैं, उससे भी मतलब गैर जाति के होते हैं दूसरी जाति से भी अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, यानी कि जो शिक्षा है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रतिबंध थे उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। पहले क्या थी, अब आपको सोचिए पहले कितनी ज़्यादा ऐसे थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं प्राप्त होने देती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लड़कियां भी शिक्षा हासिल कर सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ लड़के मतलब लड़कों के लिए ही प्रोवाइड थी एजुकेशन, लड़कियों के लिए नहीं थी। तो अब क्या हुआ है कि शिक्षा से संबंधित जो प्रतिबंध है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और अब क्या है, शिक्षा जो है हर किसी के लिए इक्वल है, हर कोई उसको हासिल कर सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग के आधार पर सत्रीकरण। अभी तक हमने जाना जाति के आधार पर सत्रीकरण किस प्रकार हुआ और उसके जो क्या क्या उसमें चेंजेस आए, अब क्या होता है, पहले क्या होती थी जाति के आधार पर सत्रीकरण में, तो ये सब मैंने आपके आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं वर्ग के आधार पर सत्रीकरण। तो वर्ग के आधार पर जो सत्रीकरण है वो जन पर आधारित नहीं होता, जैसे कि जाति जो थी वो जन पर आधारित थी। मैंने आपको बताया था कि जो जिस फैमिली में जन्म लेगा वो उसको वही वाली जाति मिल जाएगी, वो जन पर आधारित होती है जाति। लेकिन वर्ग क्या होता है, वर्ग जन पर आधारित नहीं होता। वर्ग में क्या होता है, अपनी कार्य योग्यता पे, अपनी कुशलता पे, अपनी शिक्षा पे, विज्ञान पे आदि इन सब चीज़ों पर आधारित होता है, और वर्ग के द्वार सबके लिए खुले हुए होते हैं। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल भी सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक सत्रीकरण में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। बेसिकली आप ये समझिए, वर्ग में सत्रीकरण इस प्रकार होता है, वो जन पर आधारित बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि जाति में होता था उसका अपोजिट होता है। वर्ग में क्या होता है, कोई अगर वर्ग के जो द्वार हैं, यानी कि वर्ग में कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुले हुए हैं वर्ग के द्वार। और कोई ऐसी जाति में हमने देखा था कि जो निम्न जाति में अपना जन्म लिया है तो वो निम्न जाति का ही कहलाएगा, वो उच्च जाति का कहला ही नहीं सकता,
है ना, लास्ट तक मृत्यु तक वो निम्न जाति का ही रहेगा। लेकिन वर्ग में क्या होता है, अगर कोई किसी का वर्ग निम्न है तो हम जिसकी क्वालिफिकेशन, हम उसकी शिक्षा देखेंगे। अगर उसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, उसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका काम बहुत अच्छा है, वो उसका जो जैसे हम कह सकते हैं व्यवसाय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अधिक पैसे कमाता है, तो हम उसकी योग्यता देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है उस बंदे में। अगर उसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा हाई लेवल की हैं तो हम उसको उच्च वर्ग में डालते हैं, ठीक है, उच्च वर्ग में उसको कहा जाएगा ये तो उच्च वर्ग का है, और निम्न वर्ग में उसको कहा जाएगा जो जो शिक्षित नहीं है, या जिसके जो बहुत ज़्यादा कम शिक्षित हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका व्यवसाय अच्छा नहीं है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, जिसको जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, या जिसकी क्वालिटीज़ उसमें नहीं है, व्यक्ति में जिसमें क्वालिटीज़ नहीं है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, उसको जो है निम्न वर्ग का कहा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है। वर्ग में क्या होता है, अपनी काम पर, अपने काम के अनुसार जो है व्यक्ति जो है वर्ग में उसको बांटा जाता है, वर्ग के आधार पर, और वर्ग के जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले होते हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा कुशल अपना प्रयास करे और बहुत ज़्यादा मेहनत करे, तो अभी वो अगर निम्न वर्ग में होगा तो मेहनत करने के बाद वो उच्च वर्ग में भी जा सकता है। कैसे चला जाएगा, अभी व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ लिख जाएगा, उसको उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई हो जाएगी, है ना, मेहनत करेगा जब भी तो पढ़ेगा, और अगर पढ़ जाएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई हो जाएगी, उसकी क्वालिटीज़ आ जाएंगी उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है उच्च वर्ग में रखा जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा मेहनत करने पर उच्च स्थान वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये भी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जाति और वर्ग में अंतर, यानी कि जो क्लास में एंड कास्ट में क्या डिफरेंस बिटवीन होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसी के बारे में समझते हैं। तो जाति और वर्ग के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, तो वही है, वही अंतर जो होंगे उसके, उसी के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जाति जो है वो जन्म आधारित है, यानी कि जब व्यक्ति पैदा होते हैं, यानी कि उसका जन्म जिस घर में होता है, जिस फैमिली में होता है, उसको वही जाति मिलती है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी जाति बदलती नहीं है, एक ही रहती है। तो यही है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऐसा नहीं होता कि वो जन्म पर आधारित होता है। वर्ग में यानी कि क्लास में क्या होता है, उसकी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्ग का स्थान प्राप्त होता है, यानी कि सामाजिक जो परिस्थिति है उस पर आधारित होता है वर्ग का स्थान। और सेकंड पॉइंट में हमारा आ जाता है जाति जो है एक बंद समूह है, यानी कि जाति के अंदर और कोई नहीं आ सकता। मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू के एक फैमिली है, तो फैमिली में जो जो उसका मेंबर होगा, जो उस फैमिली में जन्म लेगा या फिर जो उस फैमिली का हिस्सा बनेगा विवाह के बाद या फिर जो भी है, तो वो जाति जो है उस फैमिली की होगी कि हाँ ये फैमिली है, ये इस जाति से बिलोंग करती है वाली फैमिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी रह ले उस घर में आके और किसी भी फैमिली का कोई भी हिस्सा बन जाए, ऐसा नहीं होता। जाति यही है कि जो जाति होती है वो एक बंद समूह है, उसमें कोई और इंक्लूड नहीं हो सकता उन फैमिली मेम्बर्स के अलावा। लेकिन वर्ग में क्या होता है, ये एक हम इसको बंद समूह नहीं कहेंगे, एक ये खुली व्यवस्था है, यानी कि जो वर्ग है व्यक्ति की, जैसे वर्ग कह लेंगे ऊंचा वर्ग, ऊंचा वर्ग स्थान भी व्यक्ति जो है वो ऊंचे वर्ग में भी जा सकता है, निम्न वर्ग में भी जा सकता है, अपने उसके व्यक्ति के अनुसार है। वो जितना काम करेगा, जितनी ज़्यादा उसको कठोर परिश्रम करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा प्रयास करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको अच्छा स्थान प्राप्त होगा वर्ग में। यानी कि अगर वो बहुत अच्छी अपनी मेहनत करके पढ़ाई वढ़ाई करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होगी, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी उसका, आगे चल के व्यवसाय भी काम भी अच्छा होगा, तो उसको क्या होगा, इस समाज में ऊंचे वर्ग का मकाम मिलेगा, यानी कि जो अपर हम कह सकते हैं अपर क्लास का जो लेवल है वो उसको स्थान प्राप्त हो जाएगा। ऐसी जाति में क्या होता है, विवाह खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं। जाति में होता है कि जैसे कि विवाह में यही होता है कि जो जिस जाति के वो उसी जाति में शादी करेगा। ज़्यादातर यही होता है कि अपनी अपनी कास्ट में जो भी कास्ट के होते हैं उसमें ज़्यादातर मैरिज होती है। और खान पान के भी कठोर नियम होते हैं कि अदर कास्ट में शादी नहीं हो सकती। और खाने वाने में जिस जाति का, ऐसे कई बार तो ऐसा हो जाता है इस जाति में ये वाला खाना आता है, वेजिटेरियन फूड आता है, तो वो वाले जाति के लोग नॉन वेजिटेरियन खा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी जाति में वेजिटेरियन आते हैं। तो ऐसे कठोर नियम भी कई बार हो जाते हैं जाति में, लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, कठोरता बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी जाति में जो है जाति व्यवस्था जो है स्थिर संगठन है, स्थिर संगठन स्थिर बेसिकली उसको कहते हैं स्टेबिलिटी को, यानी कि क्या होती है,
जाति में जाति जाति की जो व्यवस्था यानी कि जो कास्ट की व्यवस्था है वो एक स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी होती है उसमें। यानी कि अगर मान लीजिए फैमिली है तो ऐसा तो नहीं है आज फैमिली है कल टूट के बिखर गई, परसों नहीं है, ऐसा नहीं होता। फैमिली जो होती है, फैमिली की जो कास्ट होती है वो एकदम टिकाऊ रहती है। जो उनकी शुरू से कास्ट चली आ रही है प्राचीन समय में, उस फैमिली की जो उनके परदादा के टाइम से वो कास्ट चली आ रही है, वो उनके पोतों तक वही कास्ट रहती है, कास्ट बदलती नहीं है। ठीक है, यानी कि फादर भी वही वाली कास्ट अपनाएंगे, उनके बेटे भी वही वाली कास्ट में रहेंगे और उनके बच्चे भी वही कास्ट अपनाएंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी वही वाली कास्ट अपनाएंगे। यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी बदलती नहीं है, ये एक ही कास्ट जो होती है शुरू से लेके एंड तक वही चलती है। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले में कम स्थिर होती है। वर्ग में क्या होता है, अगर कोई गरीब है मतलब किसी को निम्न वर्ग का स्थान प्राप्त है तो वो ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को उच्च वर्ग वाला भी बना सकता है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बड़ा कर लेगा, उसकी जो वर्ग होगा यानी कि जो उसका लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल अच्छा होगा तो उसको उसका जो वर्ग है उसको ऊँचे वर्ग में अपर क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। तो यही होती है कि वर्ग में जो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, तो वे स्टेबल नहीं होते जो वर्ग वाले होते हैं, यानी कि वर्ग जो है कम स्थिर होते हैं। आज निम्न वर्ग में है तो कल उच्च में भी जा सकते हैं, आज उच्च वर्ग में है तो उनका काम नहीं चल रहा या फिर प्रॉफिट उनको बहुत कम हो रहा है तो वो निम्न वर्ग में भी जा सकते हैं। ऐसे फिफ्थ पॉइंट में आता है जाति कि ये प्रजातंत्र व राष्ट्र के प्रतिकूल होती है। ठीक है, ये तो बेसिक्स है कि जो प्रजातंत्र राष्ट्र के प्रतिकूल है, जाति जाति को तो सभी फॉलो करेंगे। और वर्ग में क्या होता है, प्रजातंत्र और राष्ट्र से बाधक होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक परिस्थिति। तो जो ये जो हमारा सामाजिक परिस्थिति वाला टॉपिक है इसको हम अपने पार्ट थर्ड में कंटिन्यू करेंगे, एंड यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड खत्म होता है। पार्ट सेकंड में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट थर्ड के थर्ड में, एंड पार्ट थर्ड भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। एंड एक प्रॉब्लम है कि जो मैं सोच रही थी ये वाला जो चैप्टर है मैं पार्ट सेकंड में अपना ख़त्म कर दूंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई और ये जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं पार्ट थर्ड भी इसमें कर दूँ तो आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनेगी, तो और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लंबा है, लेंथी चैप्टर है। इस वजह से जो है मैं पार्ट थर्ड इसी में वीडियो में नहीं कर रही हूँ, पार्ट थर्ड अलग से बनाना पड़ेगा। एंड जो हमारा पार्ट थर्ड होगा वो बिल्कुल लास्ट ही होगा, और उसमें क्या होगा वो मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करिए तीन पार्ट में कम, क्योंकि ये सोशलॉजी हिस्ट्री वगैरह ये सब होते हैं, एक लंबे लंबे चैप्टर होते हैं तो तीन पार्ट तो मिनिमम बनेंगे ही। सो अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा ही बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।